इस एक्सरसाइज में और के इस चैप्टर में आपको डायरेक्टेड नंबर्स यानी नंबर्स और नंबर लाइन समझाने और बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए पहले हम आपको हम समझा रहे थे, एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये जो हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, दिस इज जीरो। अब इस पॉइंट पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसकी दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट पे, और ये जो हम एरो बना रहे हैं, इन एरोज का मतलब है कि दिस लाइन कैन गो एनीवेयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ये लाइन कहीं भी चली है। अब इस लाइन पर आप नंबर्स लिखें, कुछ नंबर जीरो की राइट पर आएंगे, कुछ नंबर जीरो की लेफ्ट पे आएंगे। वन टू थ्री फोर सो फॉर सो ऑन, जहां मर्जी तक आगे ले जाइए। तो राइट पर जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव होंगे, वन टू थ्री फोर, आगे जहां तक आप मर्जी ले जाइए बराबर फासलों से। लेकिन इसके जो लेफ्ट पे नंबर आएंगे वो नेगेटिव होंगे, वन टू थ्री फोर। तो ये माइनस वन होगा, ये माइनस टू होगा, ये माइनस थ्री होगा और ये माइनस फोर। इसी तरीके से आप माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, समझ गया कि ये एक नंबर लाइन है जिसके दरमियान में जीरो होता है। राइट पे पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि लेफ्ट पे जो होते हैं जीरो के, वो नेगेटिव होते हैं, माइनस होते हैं, वो जीरो से उतना ही कम होते हैं। ये जीरो से वन ज्यादा है, एक ऊपर है, ये दो ज्यादा है, दो ऊपर है। तो माइनस वन मीन्स जीरो से एक कम, माइनस टू का मतलब है जीरो से दो कम, माइनस थ्री का मतलब है जीरो से तीन कम, माइनस चार का मतलब है जीरो से चार कम, और माइनस वन फाइव माइनस फाइव, ये एक जैसे नंबर्स नहीं है। आप याद रखिए कि जिस नंबर के साथ, जिस इंटीजर के साथ कोई साइन नहीं है या प्लस या माइनस, वो हमेशा प्लस होता है, और जिसके साथ माइनस लगा हुआ हो, इसका मतलब ये है अब वो वन या फाइव या हंड्रेड या टेन या नहीं है, वो माइनस उतना है जितना लिखा हुआ है। दिस इज नॉट हंड्रेड, दिस इज माइनस हंड्रेड, यानी जीरो से हंड्रेड कम। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज हंड्रेड, यानी जीरो से हंड्रेड ज्यादा। तो ये एक नंबर लाइन है जिस पर जो भी नंबर लिखे हुए होते हैं उनको डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। मिडल में जीरो, चाहे आप लाइन लगाएं या ना लगाएं, बात यही है कि जीरो से ऊपर जितने नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और जीरो से यू कैन गो डाउनवर्ड्स, जीरो से आप नीचे भी जा सकते हैं उसी तरतीब से, माइनस वन माइनस टू, लेकिन वो नंबर जीरो से कम होंगे, जीरो से छोटे होंगे। इसे आप नंबर लाइन वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हॉरिजेंटल थी, आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी जीरो मिडल में होगा और ऊपर वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, और डाउनवर्ड्स नीचे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर। ठीक, वही चीज है, बल्कि ये समझना ज्यादा बेहतर है। जीरो इज इन द मिडल, आप जब नीचे जा रहे हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव होगा, और जब आप अपवर्ड्स जा रहे हैं तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री होगा। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जब प्लस होता है, जो जीरो से ज्यादा होते हैं उनके साथ और प्लस लिखा, लिखने तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, समझ गया आप। अब हम शुरू करते हैं 3.1 एक्सरसाइज। हमने नंबर लाइन पे माइनस फाइव और प्लस फाइव के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो सब शो कर रहे हैं।
अब फाइव इस फाइव के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तब भी ठीक है ना लिखे तब भी ठीक है। आप ये दरमियान में आपने जीरो ड्रॉ किया और इस पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बेहतर है कि आप स्केल से लगाएं। आप इसके राइट पे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, और लेफ्ट पे माइनस इंटीजर्स आएंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। बेहतर ये है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से हो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। लिख दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। समझ गए आप? तो माइनस फिफ्टी नाइन एंड माइनस फोर्टी सेवन। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? माइनस फिफ्टी एट से, क्योंकि हम फिफ्टी माइनस फिफ्टी नाइन और माइनस फिफ्टी फोर्टी सेवन के दरमियान में लिखने हैं, ये दोनों नहीं लिखने। क्या होगा? माइनस फिफ्टी एट माइनस फिफ्टी सेवन माइनस फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव माइनस फिफ्टी फोर माइनस फिफ्टी थ्री माइनस फिफ्टी टू माइनस फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी माइनस फोर्टी नाइन एंड माइनस फोर्टी एट। ये नंबर्स हैं माइनस फिफ्टी नाइन और माइनस फोर्टी सेवन के दरमियान।